मित्रों, आप सबका एपिसोड को फुल देखना वरना कहानी में क्या हो रहा है समझ में नहीं आएगा। और जिन्होंने भी पहला वाला एपिसोड नहीं देखा, जल्दी से देख लो। शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अगले सुबह का सीन, जहां जिंग बेसब्री से एक कैफे में मिस हैकर का इंतजार कर रहा था। अपने मन में यह सोचते हुए कि आज मैं मिस हैकर से मिलने वाला हूँ, पर मैं आधा घंटा पहले ही कैफे में आ गया। सो मेरा और मिस हैकर का मुलाकात भी लव स्पेशलिटी ऐप की सोशल मीडिया में ही हुआ है। और मिस हैकर का फॉलोअर भी बहुत सारे हैं और सारे के सारे ही लड़के लोग हैं, पर मिस हैकर का शक्ल किसी ने नहीं देखा। मिस हैकर एक ज्ञानी, अच्छी और फ्रेंडली लड़की है। वो सारे लड़के लोगों की ड्रीम गर्ल है। और मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मैं आज ऐसी बंदी से मिल रहा हूँ जो सारे लड़के लोगों की आइडल लवर ड्रीम गर्ल है। तब जिंग शर्माने लगता है। उसी वक्त एक पर्सन आकर जिंग के सामने खड़ा हो जाता है। जिंग उसके तरफ देखकर शर्माते हुए कहने लगता है कि मिस हैकर, आप आ चुकी हो, पर तुम कौन हो? उसी वक्त हम जिंग के सामने एक लड़के को देखते हैं और यह लड़का वही है जो उस दिन जिंग के साथ बस में बैठा हुआ था। वो लड़का जिंग से कहने लगता है कि मैं ही तो हूँ मिस, नहीं मिस्टर हैकर। जिंग तब ये जानकर कि मिस हैकर एक्चुअली में मिस्टर हैकर है, वो शॉक के मारे ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। कुछ देर बाद हम जिंग और हैकर को कैफे में एक साथ बैठा हुआ देखते हैं, जहां बहुत ही सन्नाटा था। जिंग परेशान होकर अपने मन में सोच रहा था, ये क्या हो गया? मैं कब से बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि मैं मिस हैकर से मिलूं, पर मिस हैकर तो एक लड़का निकला। पर इस लड़के का शक्ल गौर से देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैंने इस लड़के को कहीं तो देखा है। हाँ, ये लड़का तो मेरे ही यूनिवर्सिटी का सीनियर है। अब मुझे याद आया, ये लड़का तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक्सपर्ट है। अगर कोई इस लड़के को परेशान करे या फिर इस लड़के को गुस्सा दिला दे, तो वो उस दूसरे पर्सन का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हैक करके तोड़ मरोड़ देता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये है मिस, नहीं मिस्टर हैकर, मेरा सीनियर। ये सोचकर जिंग परेशान होकर अपना सर टेबल में पटकने लगता है, ये कहते हुए कि अभी तो मैं भाग भी नहीं सकता। हैकर तब जिंग को परेशान देखकर वो जिंग से पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? जिंग घबराते हुए कहता है कि अगर मैं हाँ कहूँ तो? हैकर जिंग के नजदीक आकर चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि मेरा एडवाइस तुम्हारा काम का हो सकता है, जिससे तुम अपना ड्रीम गर्ल को पा सको। जिंग घबराते हुए कांपते हुए कहता है कि हाँ, मैंने ऐसा कहा तो था। हैकर कहता है कि तो क्या तुम्हें अभी भी मुझसे डर लग रहा है? जिंग रोते हुए कहता है कि नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा। उसके बाद हैकर अपना लैपटॉप निकालकर कुछ करने लगता है, जिंग से ये कहते हुए कि अगर तुम्हें किसी लड़की को पटाना है, पहले तो तुम ये जानो कि उस लड़की को क्या पसंद है। उसके बाद हैकर कहता है कि लो हो गया। जिंग पूछता है कि क्या हो गया? हैकर कहता है कि मैंने उसकी कंप्यूटर को हैक कर लिया, तो अभी तुम जान पाओगे कि उसे किस चीज में इंटरेस्ट है, क्या तुम्हें देखना है? जिंग शर्माते हुए कहता है कि हाँ। तब जिंग लैपटॉप को देखकर चिल्लाकर कहने लगता है कि ये क्या, उसकी कंप्यूटर में इतने सारे लड़कों के इंटीमेट पिक्चर क्यों है? जिंग इतना जोर से चिल्लाकर ये कहता है कि कैफे के सारे लोग उसके तरफ देखने लगते हैं। जिंग शर्माने लगता है। हैकर जिंग से कहता है कि अभी तुम्हें पता चला तुम्हारा होम का हॉबी क्या है?
जिंग हैकार की तरफ देखने लगता है। हैकार जिंग से कहने लगता है कि तो फिर अभी मुझे लगता है कि तुम्हें हमको पटाने के लिए गे होने का नाटक करना होगा, पर ये तो तुम अकेले कर नहीं पाओगे, तो मैं तुम्हारा इसमें मदद करूंगा। जिंग तब कुछ सोचने के बाद पूछता है कि सीनियर, आपको कैसे पता चला कि मैं जिसे पसंद करता हूँ वो होंग है? मैंने तो आपको नाम नहीं बताया था। हैकर कहता है कि मुझे सब मालूम है क्योंकि मैं हैकर हूँ। खैर तो फिर कल से शुरू करते हैं हमारा नाटक। यहाँ से होता है सीन शिफ्ट, दिखाया जा रहा है जिंग का यूनिवर्सिटी जहाँ हैकर जिंग को ढूंढ रहा है गे होने का नाटक करने के लिए, होम को जिंग के लिए पटाने के लिए। हम जिंग को देखते हैं जो हैकर से छुपता फिर रहा था, एक बार दरवाजे के पीछे, कभी टेबल के नीचे तो कभी वॉल के पीछे। कुछ देर बाद जब जिंग को हैकर दिखाई नहीं देता तब वो कहने लगता है कि बच गया, शायद सीनियर चले गए होंगे, और वो खुद चुपचाप जाने लगता है। पर सीनियर उसके पीछे खड़ा होकर जिंग से कहने लगता है कि जिंग तुम किधर चले? जिंग घबराते हुए कहता है कि क्या इत्तेफाक है सीनियर, आप यहाँ? हैकर तब जिंग के नजदीक आकर पूछने लगता है कि जिंग क्या तुम मुझसे छुप रहे थे? जिंग घबराते हुए कहता है कि सीनियर मैं तो बस ऐसे ही, एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि हमको पटाने के लिए गे होने का नाटक करना, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? और साथ में मेरे साथ नाटक करने में आपको भी तो परेशानी होगा, तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरे वजह से आपको कोई परेशानी हो। हैकर कहता है कि तो ये बात है इसलिए तुम छुप रहे थे, मैं सोच रहा था कि तुम शायद मुझसे डर रहे हो तो इसलिए तुम मुझसे छुप रहे हो। जिंग कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है सीनियर। हैकर तब जिंग के नजदीक आने लगता है और और अपना सर जिंग के शोल्डर में रख देता है। तब हम हैकर को देखते हैं जो शर्मा रहा था और उसका सांस फूल रहा था, उसका बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ रहा था, इन शॉर्ट उसका तबीयत बिगड़ रहा था। जिंग हैकर का ऐसा हालत देखकर वो घबरा जाता है और पूछने लगता है कि सीनियर आपको क्या हुआ, क्या आपको फीवर है, आप ठीक तो हो? ठीक उसी वक्त यूनिवर्सिटी के बिल्डिंग की खिड़की के बाहर हम जिंग और सीनियर को हग करा हुआ पोजीशन में देख लेती है और वो उन दोनों का फोटो क्लिक करके तुरंत ही भाग जाती है। तब जिंग भी हम को देख लेता है और वो घबरा कर चिल्लाने लगता है, फिर वो रो देता है क्योंकि उसे तो समझ में आ ही गया कि हम उसके और सीनियर के बारे में अभी क्या सोचेगी। हैकर तब खुद को संभालते हुए जिंग से कहता है कि जिंग तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, चलो हम के फोन को हैक करके चेक करते हैं कि वो क्या कर रही है। उसके बाद जिंग और हैकर होम के फोन को चेक करने लगते हैं, जहां होम सोशल मीडिया में जिंग और हैकर का हक करा हुआ फोटो डालकर लोगों को बता रही थी, देखो इन लड़कों को, पहला जो लड़का है वो मेरी ही क्लास में पढ़ता है और मुझे बहुत ही परेशान करता रहता है, और दूसरा जो लड़का है वो हमारी ही यूनिवर्सिटी का सीनियर है, लगता है इन दोनों का चक्कर चल रहा है, मैं तो इन दोनों को ब्लेसिंग करूंगी। तब ऐसा खबर जिंग अपने बारे में देखकर वो शॉक के मारे ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। फिर जिंग हैकर का कॉलर पकड़ के चिल्लाते हुए कहने लगता है कि अब मैं क्या करूं? वो तो मुझे अभी एक गे समझ रही है, शायद मुझे वो अभी एक बदमाश अबारा टाइप गे समझ रही होगी। हैकर तब जिंग के सर में अपना हाथ रखते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, तुम बुरा फील मत करो, आओ मैं तुम्हें खाना खिलाने के लिए लेकर चलता हूँ।
जिंग हैकर से कहता है कि सीनियर ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इन सब के बाद बहुत खुश हो। हैकर कहता है ऐसा कुछ भी नहीं। अभी जान लेते हैं हैकर के बारे में। तो हैकर का नाम है योन और हम उसे सीनियर योन बुलाएंगे, ठीक है। सो सीनियर योन इस स्टोरी का दूसरा मेन लीड है, साथ में जिंग का सीनियर और जिंग का दूसरा लव एडवाइजर, मतलब उसका दूसरा लव गुरु। और सीनियर योन जो है वो लोगों से ज्यादा बातें नहीं करता, वो सिर्फ 15 वर्ड ही लोगों से कहता है, जैसे कि गुड मॉर्निंग, यस, नो और ऐसे ही कॉमन वर्ड। अगर वो लोगों से 15 वर्ड से ज्यादा बातें कर ले तो तब उसका सांसें फूलने लगता है, उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगता है, इन शॉर्ट उसका तबीयत बिगड़ने लगता है। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि उसने जिंग के साथ थोड़ा ज्यादा बातें कर लिया, फिर उसका तबीयत बिगड़ने लगा था और जिंग उसे देखकर परेशान होने लगा था कि सीनियर को हो क्या गया है भाई, क्योंकि सीनियर योन थोड़ा शर्मिले टाइप के है। और कहानी में आगे चल के सीनियर योन को भी जिंग पसंद आने लगेगा। और मेरे प्यारे मित्रों, बताओ इस स्टोरी के बारे में आप सबका क्या राय है, क्या आप सबको ये स्टोरी पसंद आ रहा है, जरूर कमेंट करके बताना। साथ में लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन स्टे विद मी एंड सी यू।